हाय गैरेज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम आए हैं मलबाई ह्युंडई प्रीतमपुरा वरना 2023 का शूट करने। और इफ़ आई टॉक अबाउट दिस इज़ द वरना एसएक्स ऑप्शनल आईबीटी। सो दिस इज़ वन ऑफ द टॉप मॉडल, 16.5 लाख। एंड इफ आई टॉक अबाउट द कलर, दिस इज़ द टाइटन ग्रे। रोनित, वैसे देखने में गाड़ी बहुत, आई वुड से फ्यूचरिस्टिक लुक है, बहुत बीस्ट गाड़ी लग रही है। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप इसके यहाँ पे लाइट देखोगे तो दीज आर ऑल कनेक्टेड विच इज गोइंग टिल द एंड। तो भाई एक बात का तो पक्का है कि रात को गाड़ी चलते हुई ना रोड पे, इट वुड फील लाइक अ डेमन वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स, आई एम श्योर अबाउट दैट। और अगर इसकी मैं फीचर्स के बारे में बात करूँ तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, मैंने आपको बताया दिया ये कनेक्टेड लाइट्स हैं इसकी, पर यहाँ पर इसके हेडलैम्प्स दे रखे हैं। अब आई एम नॉट श्योर अबाउट द थ्रो ऑफ दीज हेडलैम्प्स, बिकॉज अब ऐसा लग रहा है कि अब हेडलैम्प्स नहीं, मतलब फॉग लैम्प्स और हेडलैम्प्स यू नो एक ही जैसे हैं, क्योंकि अब इसमें कोई स्पेसिफिकली फॉग लैम्प की प्लेसमेंट नहीं है। बट स्टिल येस, इफ आई टॉक अबाउट द फ्रंट लुक, दैट लुक्स गुड। इफ यू आर लुकिंग एट दिस ग्रिल हियर, दिस इज द पैरानोमिक ग्रिल हियर विद ऑल द सेंसर्स। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये 1, 2, 3 और ये 4 सेंसर लग रखा है। तो एक्चुअली होता क्या ना, आपको पता होगा जब हम गाड़ी रिवर्स करते हैं तो एक बीप 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 की आवाज़ आती है जब हम यू नो व्हेन वी आर क्लोज टू समथिंग ऑब्जेक्ट। बट अब इस वाली वरना में ये आगे के लिए भी है, तो मतलब ऐसा है कि अब गाड़ी वाड़ी आगे और पीछे से तो नहीं ठुकेगी आपकी, आपको वरना बता देगी कि नहीं भाई आगे अब जगह नहीं है। तो दैट इज़ वेरी गुड, इट हैज़ दोज सेंसर्स। अगर आप आगे आ जाओ तो आप यहाँ पर देखोगे तो थोड़ा सा एक ये जो पैटर्न है, जो प्लास्टिक का यहाँ पर डिज़ाइन दे रखा है, तो आई वुड से इन टर्म्स ऑफ द बॉडी डिज़ाइन Varna Hyundai has done a great job. Like if you see on the bonnet, they have these lines. So I would say that it is very sporty, hai na? Thodi si sporty, futuristic. Thodi si sporty aur futuristic look hai iski. To ab of course road pe chal rahi hai, to pata lag jayegi ki ye Varna chal rahi hai, bhai. Ab iske side mein aa jaate hain. Agar iski side ki baat kare guys, to aap isme dekh rahe ho. We have already getting the alloy wheels. These are 16 inches. So which is great if you are able to look at it here. And if you look at the side profile of the car, man, I don't know what they've done, but Ronit, honestly, side profile se gaadi bilkul alag lag rahi hai. To matlab ye keh sakte hain ki bahut hi zyada premium class ho gaya Varna ka. If I talk about the back also, agar aap idhar aayega, so if you come here, if you look at this bump, if you go in the front, yahan se aapko lagega ki ye gaadi aise seedhi aa rahi hai, and then it is getting wide from here. So see, that is one of you know something unique that Hyundai has done this time on the Varna. So all in all, gaadi mein agar main aapko bataun, yeah, if I talk about this handles again, these are not matching to the color of the car. So I would say that these are something made of aluminium ke honge, ha, chrome jaise hai. To isme ye chrome bidding aapko yahan pe de rakhi hai. Obviously you're getting the automatic mirrors, so they would closed themselves. Now if you come here guys, अगर आप ये देखोगे यहाँ पर, तो ऐसा है कि वरना ने ना कुछ भी छोड़ा नहीं है, सारे डिज़ाइन यहाँ पर दे रखे हैं आपको यहाँ पे। इफ़ यू सी अगेन, दिस ऑल्सो हैज़ अ पैटर्न इन इट, सो द कार एंड देन देर इज़ अ पैटर्न ऑन द कार एंड देन देर इज समथिंग ऑन द कार एंड देन दैट समथिंग ऑल्सो हैज़ अ पैटर्न, सो एवरीथिंग हैज़ अ पैटर्न ऑन दिस कार इफ़ यू सी। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द बैक लाइट, ब्रो बैक लाइट में तो मतलब कॉम्पिटिशन जीत गई है मेरे को लग रहा है वरना। If I talk about this, again you are getting the connecting headlamps and tail lights also. And if I talk about this, यहाँ पर ये indicator है, अब indicator पे भी यहाँ पर कुछ style है, so I would say Hyundai has done a very, I would say you know informed decision when they come to design. So if you see at this right, if you zoom in here a little bit, यहाँ पर भी आपको थोड़े से design दिख रहे हैं, तो ये बहुत cool है यार, मतलब honestly ना बहुत इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप नोटिस तभी करोगे जब आप एक्चुअली गाड़ी को रियल लाइफ में देखोगे। कैमरे वैमरे में आप इतना सब कुछ नहीं दे सकते डिटेल। अगर आप इधर आओ माय ब्रदर, इफ़ यू कम हियर एट द बैक, अगर आप ये लाइट्स देखोगे छोटी छोटी, तो ये लाइट्स भी हैं इसके अंदर, और ये ब्रेक मारने में आई एम श्योर चलेंगी। तो अगेन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द टेल लाइट that you are not able to see in the video, maybe you are, but yes, if I am talking about looking at it at person, then it is looking something different. ab agar aap piche aaoge to yahan pe iski ye Varna ki badging de rakhi hai, aur abhi tak Varna ya fir koi bhi jaise venue ki baat karta hu to us sab ki badging jo thi wo bahar thi,
लेकिन अब वरना की जो बैजिंग है वो इसके अंदर है ग्लास के, तो अब ये ना जैसे गंदी वंदी नहीं होगी है ना, आई एम श्योर, तो आपका ये वरना हमेशा साफ ही रहेगा। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द लोगो हीर ऑफ ह्युंडई एंड एट द फ्रंट, लोगो मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं आया ऑनेस्टली। लोगो में कोई और डिज़ाइन दे सकते थे, मतलब क्रोम व्रोम रख सकते थे, बट येस अगेन ठीक है। इफ़ आई टॉक अबाउट कमिंग फॉरवर्ड, हाँ एक बार बूट स्पेस दिखा देता हूँ, बूट स्पेस देखना है। और ह्युंडई इज क्लेमिंग एंड यू नो अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑल्सो सेइंग दैट वरना हैज़ द लार्जेस्ट बूट स्पेस एज ऑफ नाउ इन एनी सेडान कंपेयर टू इट। सो इफ यू सी हियर, ये सारा यहाँ पे बूट स्पेस है, बहुत बड़ी जगह है यार, मतलब बैठ बैठ सकते हैं दो चार बंदे, एडिटिंग वगैरह भी यहीं हो जाएगी, सब कुछ यहीं हो जाएगा हमारा अगर बताएं तो। अच्छा ठीक है, तो रौनित भाई कह रहे हैं कि देखो ये जितना ऊपर आ रहा है यहाँ पे, तो और किसी गाड़ी में यू वुड नॉट सी दैट कम अंटिल हियर, सो दैट ऑल्सो गिव्स यू अ लॉट ऑफ स्पेस टू पुट, आसानी हो जाती है। हाँ सही बात है, बाकी एक बार गाइज गाड़ी को अंदर से देखते हैं। ऑलराइट गाइज, तो अब हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं यार, और ऑनेस्टली मैं बैठे हूँ, और अगर आपको बताऊँ तो सीरियसली ऐसा लग रहा है कि मैं एक ऐसी गाड़ी में बैठा हूँ साला जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। अब आप यहाँ पर देखो, अगर एक फीचर के बाद बताऊँ तो एक्चुअली इसमें पीछे भी जो पैसेंजर सीट्स हैं उसके लिए सीट बेल्ट है, तो अगर यहाँ पे किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी होगी तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। ऑफकोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर वही आपके मिरर के कंट्रोल हैं, यहाँ पे लॉक अनलॉक, यहाँ पे आपके ऑटो फोल्ड मिरर्स आपको अंदर दे रखे हैं ऑब्वियसली, और यहाँ से अब अपना मिरर एडजस्ट कर सकते हो। अब राइट में भाई अगर आप ये चीज़ देखोगे ना, तो यहाँ पर देखो एम्बियंट लाइट दे रखी है विच इज़ लुकिंग वेरी प्रीमियम टू बी ऑनेस्ट। और यहाँ पर ऑफकोर्स यू कैन ऑल्सो चेंज द कलर्स, तो अगर आप एम्बियंट लाइट दिखाऊँ तो वो यहाँ से लेके पूरा एंड तक ऐसी एम्बियंट लाइट जा रही है, और फिर वहाँ पर भी ऐसी सेम स्ट्राइप्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है यार। और अगर मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा नीचे दिखाऊँ तो यहाँ पर यू आर गेटिंग द ट्रैक्शन कंट्रोल एंड ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप बटन ऑल्सो। एंड देन इफ़ यू लुक एट दिस, भाई ये थोड़ा सा यूनिक करा है इस बार Hyundai ने। अब जैसे यहाँ पर सारे ऐसे टच वाले बटन होते हैं, पर यहाँ पर ऐसे ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, और फिर यहाँ पर ऐसे स्टार्ट बटन है, तो विच इज़ ऑल्सो अ लिटिल बिट मोर प्रीमियम। और अगर आप यहाँ से थोड़ा सा दूर से लुक देखोगे तो भाई ये आपका एक्सपीरियंस रहने वाला है। सामने भी आपको स्क्रीन दे रखी है, लेफ्ट साइड भी आपको स्क्रीन दे रखी है, और ये जो दोनों स्क्रीन है ये थोड़ी सी मेरे तरफ यू नो टिल्टेड है, तो इट्स लाइक अ लिटिल बिट ड्राइवर ओरिएंटेड अगर मैं सारे डैशबोर्ड की बात करूँ। और अगर मैं स्टेयरिंग की बात करता हूँ गाइज, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें ये स्टेयरिंग क्यों है भाई, क्योंकि स्टेयरिंग मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं आया ऑनेस्टली। अगर आप दूर से देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि स्टेयरिंग उल्टा है, तो मेरे को बस थोड़ा सा स्टेयरिंग का ही है, बाकी इसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं ऑनेस्टली। अगर आप इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखोगे यहाँ से, तो वेन्यू में भी सेम यही वाला इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है, और यहाँ पर अगर मैं आपको ड्राइव मोड से चेंज करके दिखाऊँ तो इट ऑल्सो चेंजेस द कलर, सो इको, नॉर्मल एंड देन स्पोर्ट। इफ़ आई टॉक अबाउट फीचर्स ऑन द स्टेयरिंग द बटन्स, सो यहाँ पर आपका वॉल्यूम कंट्रोल और चैनल है। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी है ना भाई, कि यार ह्युंडई में और पहले वाली जितनी भी गाड़ीज हैं उसमें लेफ्ट साइड होता है आपका वॉल्यूम का बटन और आपका चैनल का बटन। अब इस वाली वरना में इन्होंने ये सारी चीज़ें राइट में दे दी हैं, और जो क्रूज कंट्रोल है वो दे दिया लेफ्ट में, साथ में ADAS फीचर है विच इज़ लाइक लेन असिस्ट, तो अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो इट वुड कीप यू इन अ सेम लेन। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ आई टॉक अबाउट हियर अगेन, आपको स्क्रीन मिल रही है, अगर मैं इसकी टच क्वालिटी की बात करूँ तो गाइज नॉट कंपेरेबल टू एनी अदर टच स्क्रीन दैट आई हैव सीन आउट देयर। इट्स वेरी स्मूथ, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ टैबलेट विच इज़ हियर, एंड दिस यू नो इट फील्स रियली अमेजिंग। अब इसकी एम्बियंट लाइट का कलर चेंज हो गया गाइज, अगर आप देखोगे तो नाउ इट इज़ रेड, तो ये बहुत सुंदर लग रही है। अब नीचे यहाँ पे पैनल पे आ जाते हैं, फ्रॉम वेयर यू विल कंट्रोल ऑल द थिंग्स बेसिकली द वेदर इन द कार। तो अब इसमें थोड़ा सा चेंज क्या हुआ है, अगर आप ये वाला बटन दबाते हो, इफ़ यू सी दिस बटन हियर, सो दिस स्क्रीन इज ऑल्सो एक्टिंग एज द बटन्स फॉर दिस डिस्प्ले। नाउ ये फीचर तो है, मुझे नहीं पता आप इसमें कितनी बार इसको टॉगल करके यहाँ से यूज़ करोगे और सीधा स्क्रीन डायरेक्टली यूज़ नहीं करोगे, बट अगैन दिस इज़ ऑल्सो अनदर फीचर, तो आप इसको चेंज करो, दिस विल टेल यू ऑल द कंट्रोल्स। सो अगैन दिस इज़ वेरी प्रीमियम इफ़ आई टॉक अबाउट दैट। एंड ऑल्सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वी आर ऑल्सो गेटिंग वेंटिलेटेड सीट्स, एंड द डिफरेंस नाउ
is that you're also getting the cooling option and then the heating option. तो अभी आप गर्मी हो या सर्दी, वरना आपको एक टेम्परेचर पे रखेगी. इट विल टेक केयर ऑफ द सीट्स एंड द टेम्परेचर. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आपको एक टाइप सी का स्लॉट मिल जाएगा, एक 12 वोल्ट का मिल जाएगा और एक यूएसबी पोर्ट मिल जाएगा. एंड दिस इज लाइक द वायरलेस चार्जर, सो इफ यू कीप योर फोन हियर दैट विल वायरलेसली चार्ज इट. ये हमारा यहाँ पे ऑफकोर्स पार्किंग रिवर्स बिकॉज दिस इज ऑटोमेटिक. एंड हाँ, यहाँ पर ना अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गियर लिवर्स भी हैं, तो यार ये तो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लगता है. अगर किसी भी गाड़ी में होता ना तो मतलब इसकी तो अलग ही फील आती है. ऑफकोर्स अब यहाँ पर आपको अगर आप देखोगे तीन बटन्स दे रखे हैं ड्राइव मोड के, तो यू विल बी एबल टू सेलेक्ट योर ड्राइव मोड फ्रॉम हियर. यहाँ से आपका पार्किंग कैमरा इनेबल हो जाता है. तो जैसे ही मैंने इस बटन को दबाया, सी ऑन माई स्क्रीन आई एम एबल टू सी एवरीथिंग फ्रॉम द बैक. पीछे कुछ है नहीं, लग रहा है कि रोड है पर वो पोस्टर है. और यहाँ से अगर मैं आपको बात बताऊँ तो अगेन फॉर व्हेन यू आर पार्किंग, सो इट विल लाइक द पार्किंग असिस्ट. So it will help you park your car when you're parking. Now if I come to the upside here at the mirror, आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे को blue link feature है. तो if you are commanding anything to the car also, अगर आपको transformers का truck मंगाना है तो यहाँ से, मजाक कर रहा हूँ guys, ये tow वाला truck है, तो अगर आप कभी परेशानी में फंस जाओगे तो आप यहाँ पे बटन दबा सकते हो. एंड जिस भी फ़ोन से ये कनेक्टेड है गाड़ी, लाइक जितने भी आपके फैमिली मेम्बर से कनेक्टेड है, आप ये बटन दबाओगे, दे वुड नो that the car is having some problem. Also you are getting the SOS button here, so if you press that, so Hyundai will know that you are in a problem and something like that, and they would definitely try to assist you on that. Ha, agar main yahan pe bata dun upar, to aapko yahan par sun shades milte hain with the mirror also. To yahan pe bhi aapko is bar mirror mila hai, aur yahan par aapka sunroof ke controls hai. Ab yahan par yaar sunglass holder nahi hai is varna mein आपके पास, लेकिन अगर आप इस सनरूफ वाले का बटन देखोगे ना, तो अब ये नॉर्मल बटन से बहुत अलग है, थोड़ा सा एल्यूमिनियम जैसा है. तो इसकी लुक फील और जो टच है ना, वो थोड़ा सा प्रीमियम है कंपेयर टू अदर कार्स एंड अदर थिंग्स दैट यू सी हियर. अब मैं इसकी आपको सनरूफ दिखा देता हूँ मेरे भाइयों, क्योंकि सबको सनरूफ बहुत पसंद है. और यहाँ से हम इस सनरूफ को ओपन कर सकते हैं. सिंगल टच सनरूफ है, सिंगल टच सनरूफ है, मतलब वन क्लिक में ये बंद भी हो जाती है और वन क्लिक में ये खुल भी जाती है. ठीक है भाइयों, तो आपका एक एक बटन दबाने पे आप अपनी खिड़कियां खोल सकते हो, सारी खिड़कियां बंद कर सकते हो. और ऑनेस्टली मैन, इफ आई टॉक अबाउट दिस होल डैशबोर्ड, अगर मैं वहां से देखूँ तो सच्ची में बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है यार गाड़ी में बैठा हुआ. ये पता नहीं कहाँ से आ गया, पर इसके अलावा इसको छुपा देते हैं. अब देखो अब कितना प्रीमियम लग रहा है ना, बढ़िया लग रहा है. अब पर इन्हें हैलोजन की जगह वाइट LEDs डली हुई है, सबसे बड़ा फीचर ये है. और ज़्यादातर सेडान और हैचबैक गाड़ियों में पीछे लाइट नहीं आती, कंपनी ने यहाँ पे भी वाइट LED प्रोवाइड करी हुई है, जो कि बहुत बड़ा बढ़िया फीचर है आज के टाइम में गाड़ियों के लिए. सही बात है भाई, तो आपको पीछे भी लाइट मिल गई है, तो आफ्टर मार्केट आपको स्पेशली बाहर से जाके वाइट बल्ब नहीं लगवाने हैं. हिंदई ने आपको ऑनेस्टली सब कुछ दे दिया है. और यहाँ पर ये ब्लू लिंक का बटन भी है, तो अगर इफ़ यू आर टेलिंग योर वर्ना टू ओपन द सनरूफ और आई एम फीलिंग वेरी हॉट और समथिंग लाइक दैट, देन वो आपके लिए सनरूफ भी खोल देगी, एसी भी चला देगी. तो मतलब 16.5 लाख रुपए में आपको एक पर्सनल असिस्टेंट भी मिलेगा गाड़ी के अंदर, दैट वुड कंट्रोल ऑल द फीचर्स फॉर यू. यार भाई इसके ये देखे यार कितने सेक्सी हैं गाइस, सीरियसली इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं माइनर डिटेल्स में जो बहुत सेक्सी हैं. अब जैसे ये चीज़ है चेंज करने की, अब आप देखो ये जो क्रोम हमारी इनलाइन जा रही है ये इसके साथ ही कनेक्टेड है, बट अगेन दिस इज़ वेरी सॉफ्ट, दिस इज़ वेरी स्मूथ, सो दिस ऑल लुक्स वेरी प्रीमियम. अब आपने आगे की सीट तो देख ली है, बैक सीट में ये हमारा भाई बैठा हुआ है. अब भाई अब आप बता भाई, लेग रूम कैसा है पीछे? अरे बहुत बढ़िया लेग रूम है. लेग रूम बढ़िया है? हाँ बहुत बढ़िया है. तो गाइस यहाँ पे लेग रूम वगैरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बिल्कुल पीछे कर रखी है और मेरे बिल्कुल भी पैर आगे टच नहीं हो रहे हैं. वेरी नाइस. और अगर आप इसको, अगर आप भाइयों को ये भी दिखा दे, यहाँ पर जो हमारा कप होल्डर है, यहाँ पे कप होल्डर है भाइयों, तो आपका फ्राइडे का सीन भी सेट है, कोई सीन नहीं है, आराम से. और वहां पर आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक सनशेड के लिए वो दे रखा, ब्लाइंड्स दे रखे हैं, तो यू विल बी एबल टू ओपन दोस ब्लाइंड्स एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज अवेलेबल. सो ऑल इन ऑल आई वुड से कि दिस वर्ना इज अ लिटिल बिट मोर, नॉट लिटिल बिट, आई वुड से अ लॉट मच प्रीमियम देन द वर्ना दैट वी हैड बिफोर. अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ मैं इसकी आपको एक और चीज बताना भूल गया,
टॉप मॉडल की, तो यहाँ पर हमारे को सीट वगैरह एडजस्ट करने के लिए यू डोंट हैव टू डू दैट मैनुअली. तो यहाँ पर आपको यू गेट द बटन्स टू ऑटोमेटिकली एडजस्ट योर सीट व्हिच इज आल्सो अमेजिंग. तो ये देखो भाई, अजय देवगन भाई आगे हो रहे हैं. ये अजय देवगन भाई पीछे हो रहे हैं. मजाक कर रहा हूँ भाई, ये मैं कर रहा हूँ, अजय देवगन नहीं है यहाँ पे. एंड गैरेज, वन मोर थिंग यू सी हियर, दिस कार कम्स विद द बोस स्पीकर. तो ऑफ कोर्स जो आपको ऑडियो क्वालिटी मिलने वाली है गाड़ी के अंदर है भाई, सब वूफर भी इसमें इंक्लूडेड है. तो हाँ, ये देखो भाई, अगर आप सब वूफर देखना चाहते हो तो ये अंदर से यहाँ पर एक सब वूफर ऑलरेडी लग रखा है. तो भाई इस गाड़ी में यार ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं दिया वरना ने टॉप मॉडल में, सब कुछ इंक्लूड करा है भाई. गाइज ऑल्सो इफ यू लुक हेयर, तो आपको इस बार वरना में डैश कैम भी मिल रहा है. तो अब कोई सीन नहीं है, अब अगर कोई भी आपके आगे आता है और अगर वो गिरता है तो वो आप पे नाम नहीं लगा सकता क्या कर रहे हो भैया, क्योंकि आपके पास सब कुछ रिकॉर्डेड होगा. तो आपको वरना वहाँ पर भी बहुत सेफ करेगी. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, दिस वॉज माई रिव्यू. हाँ, एक बार ये लाइट जल गई है नीचे की, थ्रो दिखाने के लिए आप लाइट देख सकते हो. दिस इज ऑल्सो लुकिंग वेरी क्रिस्टल सा है, तो ये बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे. गाइज आप बताओ, आपको ये वरना कैसी लगी? टेल मी योर थॉट्स. What are the most favorite, I would say, features that you saw in the Verna? Apart from that, stay with us. If you're also a gearhead, like this video, subscribe to this channel, and we will explore the motor world together. Until then, I'll see you. Take care. Bye-bye. Shabake. Alright guys, so now this was our review on Verna 2023. Tell me in the comments how you like the review, or like, share and subscribe to the channel. Subscribe kar do bhai, aur next video mein milte hain. Tab tak dhyan rakho, shabba gair, bye bye.